कुमुद्रा नाम की एक खूबसूरत सी जगह थी जहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन एक दिन वहाँ पर ड्रोन आए। ड्रोन एक शैतानी आत्मा है जो किसी को भी छू ले तो वो पत्थर का बन जाता है और ड्रोन एक से दो हो जाते हैं। ड्रैगन्स वहाँ के लोगों की रक्षा किया करते थे, तो उन्हें बचाने के लिए सभी ड्रैगन्स ने अपनी शक्तियाँ एक मणि में डाल दी, जिसकी वजह से सभी ड्रोन भाग गए और सभी इंसान जो पत्थर के बन गए थे वो वापस से ठीक हो गए। लेकिन इससे सभी ड्रैगन्स पत्थर के बन गए। अब इंसान और मणि बची थी। मणि के लालच में कुमुद्रा बट गया। कुमुद्रा के बीच में एक ड्रैगन के शेप की नदी थी। कुमुद्रा 5 हिस्सों में बटा और उस नदी के हिसाब से ही जगहों के नाम रखे गए। उन जगहों को फैंग, स्पाइन, हर्ट, टैलन और टेल का नाम दिया गया। 500 साल बीत चुके हैं। वो मणि हर्ट के लोगों के पास है। हर्ट के चीफ बेंजा उस मणि की सुरक्षा के लिए अपनी बेटी राया को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका मानना है कि सभी लोग वापस से एक हो सकते हैं और कुमुद्रा वापस बन सकता है। इसी के चलते बेंजा सभी लोगों को दावत पे बुलाते हैं। राया नमारी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है। नमारी फैंग की महारानी की बेटी है। अपने ड्रैगन शेप के पेंडेंट को फेवरेट बताते हुए राया को गिफ्ट करती है, तो बदले में राया उसको मणि की लोकेशन दिखा देती है। लेकिन उसी समय नमारी धोखा देती है और अपने आदमियों को उस लोकेशन पर बुला लेती है। इसी के चलते सभी 5 जगहों के लोग मणि तक पहुंच जाते हैं और मणि के लिए लड़ने लगते हैं। इसी चक्कर में मणि टूट जाती है और उसके 5 हिस्से हो जाते हैं और ड्रोन भी वापिस आ जाते हैं। 5 जगहों के लोग मणि का एक एक टुकड़ा उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं और बेंजा भी जख्मी हो जाता है। अब ड्रोन लोगों को पत्थर का बनाना शुरू कर देते हैं और वो 1 से 2, 2 से 4 होते जाते हैं। राया के पिता बेंजा भी पत्थर के बन जाते हैं। इन लोगों के बीच में एक कहानी फेमस थी जिसमें ये बताते हैं कि एक सिसु नाम के ड्रैगन ने इस मणि को बनाया था और वो अभी भी कहीं ना कहीं पे जिंदा है। अगले 6 सालों तक राया उस सिसु ड्रैगन को ढूंढ रही है ताकि वो मणि को वापिस से बना सके और सिसु ड्रैगन उसको बाकी हिस्सों को पाने में मदद कर सके। फाइनली राया सिसु ड्रैगन को ढूंढ लेती है, तो सिसु ड्रैगन बताती है कि मैंने तो इसको बनाया ही नहीं था, लेकिन मैं इसको छू के इसमें मौजूद बाकी ड्रैगन की पावर को यूज कर सकती हूँ। सिसु और राया को दूसरा पीस मिलता है एक मंदिर में जो की टेल जगह पे स्थित था। उस मणि के टुकड़े से सिसु के पास शेप चेंज करने की पावर आ जाती है, जिससे वो इंसानी रूप ले लेती है। लेकिन वहां पर इनका सामना होता है नमारी से। नमारी से भागते भागते ये पहुंचते हैं एक बोट पर, जिसका मालिक होता है बोन नाम का एक छोटा सा बच्चा। इस बच्चे ने अपना पूरा परिवार ड्रोन के हाथों खो दिया था। सिसु एक वाटर ड्रैगन थी, तो वो पानी में कूदती है और बोट को तेजी से धक्का लगाती है, जिसकी मदद से वो सारे वहां से भागने में कामयाब होते हैं। अब वे सभी तीसरे मणि के टुकड़े को पाने के लिए पहुंचते हैं टैलोन, जहां पे राया का सामना होता है कॉर्न बेबी नोइस से और उसके साथ होते हैं 3 शैतान बंदर। वो चारों राया से वो मणि के टुकड़े छीन लेते हैं और राया उनके साथ थोड़ी सी पगन पकड़ाई खेल कर उनको पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिसु इंसान के रूप में वहां पर आती है और किसी गलत हाथों में पड़ जाती है, तो राया वहां पर पहुंचकर सिसु को बचाती है और मणि का तीसरा टुकड़ा वो हासिल करते हैं, जिससे सिसु को धुआं छोड़ने की पावर मिलती है और वहां से वो धुआं छोड़कर शफू चक्कर हो जाते हैं और साथ में नोई और उन 3 बंदरों को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब इनका ग्रुप पहुंचता है स्पाइन में, जहां पर ये मिलते हैं टोंग नाम के एक बंदे से, जो कि अपने गांव में एकला बंदा बचा होता है। बाकी सभी को ड्रोन ने पत्थर बना दिया है। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में नमारी अपने आदमियों के साथ गेट पर पहुंच जाती है, तो राया और सिसु नमारी से लड़ने गेट पर पहुंचते हैं ताकि बाकी लोग भाग सके। अब सभी लोग वहां से भागने में कामयाब होते हैं और बोट पर आ जाते हैं। राया सभी को ये सच्चाई बता देती है कि अभी तक जो इंसानी रूप में घूम रही थी वो असल में सिसु ड्रैगन है और अब सभी साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और टोंग वो मणि का टुकड़ा सिसु के हाथ में देता है, जिससे उसको बारिश करने की पावर मिलती है। जब ये सभी फैंक जगह की तरफ बढ़ रहे थे, तो सिसु ने राया से कहा कि हमें यहाँ से मणि चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, जिसके लिए राया ने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो सिसु ने बताया कि कैसे उसके भाई बहनों ने उस पर विश्वास करके उसको वो मणि का टुकड़ा दिया था ताकि वो कुमुद्रा को बचा सके, तो राया मान जाती है
और नामारी को वो लॉकेट देने का फैसला करती है जो कि उसे 6 साल पहले नामारी ने दिया था। अब सिसु और राया सीक्रेटली नामारी से मिलने जाते हैं, लेकिन जैसे ही नामारी बाकी मणि के टुकड़ों को देखती है वो उनको धमकी देने लगती है। सिसु नामारी से बात करने उसको समझाने उसके पास जाती है, लेकिन गलती से नामारी से तीर चल जाता है और सिसु को लग जाता है। सिसु नदी में गिर जाती है और नदी का सारा पानी सूखने लग जाता है। अब फैंग पर भी ड्रोन का अटैक होने लगता है। असल में ड्रोन पानी के पास नहीं आ सकते और फैंग पानी से घिरा हुआ था, लेकिन सिसु को तीर लगने के बाद उस नदी का सारा पानी सूख गया। राया गुस्से में नामारी के पास लड़ने जाती है, जिसने अभी अभी ड्रोन के हाथों अपनी माँ को खोया है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राया के साथ जो लोग थे वो मणि के बचे हुए टुकड़ों से बाकी लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। राया नामारी को मारने ही वाली थी, लेकिन नामारी को पछतावा होता है अपने किए पे। राया नामारी को छोड़ देती है। अब ये दोनों भी बाकी लोगों को ड्रोन से बचाने में लग जाती है। अब ड्रोन की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, इनके चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन है। राया ने कहा अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें मणि को वापस जोड़ना होगा और हम सभी दोस्तों को नामारी को माफ करना होगा और उस पर विश्वास जगाना होगा। कोई ये करने के लिए राजी नहीं था, तो राया ने शुरुआत करते हुए अपना मणि का टुकड़ा नामारी के हवाले छोड़ दिया और खुद को ड्रोन के हवाले कर दिया और वो पत्थर की बन गई। और देखते ही देखते बाकी लोगों ने भी अपने मणि का टुकड़ा नामारी के हवाले करा और खुद को ड्रोन को सौंप दिया और सभी पत्थर के बनते गए। अब नामारी ने उस मणि के टुकड़े को जोड़ दिया और वो खुद भी पत्थर की बन गई। लेकिन अब मणि जुड़ चुकी थी तो सारे के सारे ड्रोन गायब हो गए और सभी लोग जो पत्थर के बने थे वो वापस आ गए, इंक्लूडिंग सभी ड्रैगन्स भी। सभी लोगों को अपने लोग मिल गए। राया को उसके पिताजी वापस मिल गए और सभी पांचों जगहों के लोग हर्ट में वापस मिलते हैं जश्न मनाने के लिए और कमुंद्रो को वापस से बनाने के लिए।